हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक फिल्म बनाने वाले निर्माता ने कबूल किया इस्लाम। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको बताती हूँ आगे की पूरी खबर। कुछ साल पहले एक बहुत ही विवाद शपथ विषय पर डचमैन ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिल्म बनाई गई थी। इस पर दुनिया भर के मुसलमानों ने विरोध व्यक्त किया कि वे अपने धर्म के खिलाफ इस तरह का कुछ भी सहन नहीं करेंगे। इस घृणित फिल्म पर दुनिया भर से नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद उन्होंने धर्म को पढ़ने और समझने के लिए धर्म का गहन अध्ययन करने का फैसला किया। अर्नोद वैन डोर्न एंट्री इस्लामिक डच फ्रीडम पार्टी ऑफ ग्रट वाइल्डर्स के रूप राजनेता हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। उन्होंने धर्म इस्लाम की नींव के आधार पर व्यापक अध्ययन किया है और उन सिद्धांतों को समझा है। उन्होंने अपना पहला हज करते समय अन्नत शांति पाई और इस्लाम और पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और घिनासबत फिल्मों पर खेद व्यक्त किया है क्योंकि अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए एक रास्ता है कि अल्लाह ताला सर्वशक्तिमान है। इस्लाम में हज को एक महान यात्रा माना जाता है। पूरी यात्रा इस तरह से डिजाइन की गई है कि आप क्षमा मांगते हैं और हमें ऐतिहासिक घटनाओं की याद दिलाती है ताकि हमें यह महसूस किया जा सके कि अकेले अल्लाह ताला को सर्वोच्च अधिकार है और केवल वह हमें क्षमा कर सकता है। हम अपने सभी बुरे कर्मों से शुद्ध और इस्लाम के सिद्धांतों के आधार पर एक नया जीवन शुरू करते हैं। अर्नोद वैन डोर्न ने इस्लाम के प्रति शत्रुता दिखाने पर खेद व्यक्त किया। अर्नोद वैन डोर्न को अल्लाह ताला में विश्वास है कि उनके दिल से मांगी माफी मांगने से उनके पापों को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि वह जल्द ही एक फिल्म तैयार करेंगे जो इस्लाम के वास्तविक सार को पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही तथ्यों के साथ दर्शाएगा। अर्नोद वैन डोर्न ने कहा है कि जब से वह पवित्र शहर में पहुंचे हैं उन्हें लगता है कि वह अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन जी रहे हैं और मदीना में अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करेंगे। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।